कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान वाली ये अखबार की क्लिप पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। इसमें लिखा है कि उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान वोट उनके लिए काफी है। ये अखबार की क्लिप शेयर कर कांग्रेस पार्टी पर हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखने और उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया गया है। भाजपा बेलगावी रूरल डिस्ट्रिक्ट नामक अकाउंट ने भी ये क्लिप ऐसे ही क्लेम के साथ ट्वीट की। देखते ही देखते कई यूजर्स ये क्लिप शेयर करने लगे। वायरल अखबार की क्लिप के बारे में ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। कथित खबर को लेकर हमने गूगल पर सर्च किया, लेकिन हमें सिद्धारमैया के कथित बयान वाली कोई रिपोर्ट नहीं मिली। जाहिर तौर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री अगर ऐसा कोई बयान देते तो इसके बारे में मीडिया में खबर जरूर होती। आगे जांच जारी रखते हुए हमने 2011 के सेंसस डेटा को चेक किया। कर्नाटक में हिंदुओं की जनसंख्या कुल आबादी का 83% है, वहीं मुस्लिम आबादी 11% है। यानी मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए बहुसंख्यक हिंदू समाज को नाराज करने वाला ऐसा कोई बयान देना अपने आप में लगभग गलत साबित होता है। अब बात करते हैं वायरल अखबार की क्लिप की। गूगल ट्रांसलेट की मदद से हमने इस क्लिप को ट्रांसलेट किया। इसमें सब हेडिंग में सिद्धारमैया के हवाले से लिखा है कि वो अगले जन्म में मुसलमान के रूप में पैदा होना चाहते हैं। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल दावे के बारे में जांच की थी और पाया था कि सिद्धारमैया के ये शब्द अपने लिए नहीं थे। हमने वायरल क्लिप में दिखने वाली इस तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च किया। 2 जून 2023 के इस आर्टिकल में ये तस्वीर शेयर की गई है और बताया गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 5 गारंटियों को लागू करने पर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वायरल क्लिप को फर्जी बताते हुए उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए भाजपा जेडीएस समर्थकों पर निशाना साधा था। उन्होंने बताया कि इसको लेकर वो पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए एक फर्जी न्यूज़पेपर क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई।